आपके जजमेंट से हाई कोर्ट्स की आपके कानून की खिलाफ वर्दी है। खवातीन को खास तौर पे अगर वो बच्ची छोटी हो जो मांस का दूध पी रही हो उसको बेल मिल जाती है, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो राणा सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए पीटीआई से कि अब पीटीआई के लोगों में लोगों के घरों में जो मुलाजिम है उनकी बीवियों को उठाएंगे, मुलाजमों को उठाएंगे। ये कौन सा कानून है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये प्योर फैशिज्म अब हो रही है इस मुल्क में। और राणा सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शेडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। तो आप क्या किस हद तक तशद्दुद करोगे लोगों पे? अब आप फिर इन्होंने कोशिश की कल रात को, परसों रात को और कल लेट आफ्टरनून को कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आए इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से और उसको फिर वहाँ तशद्दुद उस पर करें। और हमें ये खौफ है कि ये लोग ये करते जाएंगे, क्योंकि ये वही कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त महमूद मसूद को किया था कि वो अप्रूवर बन जाए। ये वही प्लेबुक फिर तशद्दुद उस पे करें। इनको पता नहीं कि वो प्लेबुक्स आउटडेटेड हो गई हैं। कम से कम आप अपनी स्ट्रेटजीज देखें तो किधर कौम को ले जा रहे हैं। अब वो चीजें छुपी हुई नहीं रहती, हर चीज मीडिया में आ जाती है। तो खुदारा राणा सुनाला कुछ अकल करो, आपकी अकल ज्यादा नहीं है हमें पता है, क्योंकि आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है तो कानून तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ कोशिश कर लो समझने की इससे पहले कि और ज्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ आप करो और ज्यादा आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी करो। और मईशत की तो मैं बात नहीं करूंगी, मैं इकोनॉमी पे एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बॉम्ब मिल गया है। और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए जेल काटे पाकिस्तान वापस आए, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए इंपोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक तरफ से पेट्रोल बम और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो अग्री नहीं करती। हो भाई तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर से आप देखें आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं, कितनी पोलराइजेशन, कितना वायलेंस, आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं इस हुकूमत ने, कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। रीथिंक रीथिंक करें, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप भी नहीं हैं, ये भी सोचें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बिल्कुल उठाई, हमारे जमाने में फिर भी प्रोडक्शन ऑर्डर होता था, आए थे। इस दफा हुआ, इस दफा प्रोडक्शन कोर्ट के फैसले के बावजूद अली वजीर को नहीं लाया गया। आप पूछे ना सिंध हुकूमत से, आप पूछे ना इनसे, आप लोग इनसे पूछते ही नहीं है। आप मुझे बताएं हमारे हमने ठीक है हमने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन साथ साथ हमने मीडिया के लिए प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का कानून बनाया 2021 में, अभी तक क्यों नहीं वो हुकूमत इंप्लीमेंट कर रही? उसके इश्तिहार भी आ गए थे चेयरमैन के लिए, वो एक ऐसा कानून है जिसमें जो कमिटी बनेगी जो सारी कंप्लेंट्स देखेगी वो खुद वो जर्नलिस्ट बनाएंगे प्रेस क्लब के नॉमिनीज, और ये आधा प्रोसेस हो गया था। अब आप क्यों नहीं इस हुकूमत से पूछ रहे कि क्यों नहीं ये जर्नलिस्ट लॉ को क्यों नहीं एक्ट फर्दर कर रहे? मैडम ये बताइएगा कि रात को कहा एक इंटरव्यू में कि जो शहबाज गिल का बयान था उसमें ये तासुर गया कि वो उकसा रहे हैं शायद कोर्ट को, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो शहबाज गिल को मिल रही है, क्या वो जो बयान है उसको पीटीआई अब ऑन करती है? देखिए हम कहते हैं कि अगर उसके बयान में कुछ कानून की खिलाफ वर्दी हुई है, कानून
अपना प्रोसेस करें, कानूनी प्रोसेस करें, लीगल प्रोसेस करें। और हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि अगर आप अक्यूज कर रहे हैं कि उसने उकसाने की कोशिश की या कुछ, तो खुदारा जिन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं कितने क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ जिसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, उसकी स्टेटमेंट्स तो पढ़े फौज के खिलाफ। उधर याद सादिक ने जो कहा है, फिर नवाज शरीफ ने जो कहा है, उसने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके यूं यूं इंडिया करके स्टेटमेंट दिए। और फिर आसिफ जरदारी, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं बार बार, एक दफा नहीं, क्यों नहीं उन पे केस रजिस्टर हो रहे? अगर आप करना चाहते हैं फिर सब पे बराबर कानून अप्लाई करें ना, एक पे थोड़ी। अच्छा मैडम, हुकूमत जाने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें पाकिस्तान में, तमाम सियासी जमातें अक्सर कहती रहती है कि हमसे फैसले होते नहीं, करवाए जाते हैं, हमारे पीछे कोई और होता है। अब राणा सनाउल्ला का नाम ले रही हैं, शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर कोई चैनल बंद होता है तो राणा सनाउल्ला का नाम लिया जाता है, क्या सिर्फ नून लीग या राणा सनाउल्ला इनके पीछे? देखिए, बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना। हुकूमत ये कहते हैं ये हुकूमत है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये खुद नहीं कर रहे तो कहें कि गलती हुई है, एआरवाई के साथ जो, एआरवाई के जर्नलिस्ट के साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, और एआरवाई को बंद करना जो कि अगेन गैर कानूनी है, और सिंध हाईकोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? कौन इसको रोक रहे है? एआरवाई को क्यों नहीं ऑन एयर कर रहे? और अगर ये हुकूमत, आप कहते हैं कि हुकूमत कह रही है हम नहीं फैसले कर रहे, तो इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना। राणा सनाउल्ला वैसे तो बहुत बोलता रहता है, शोर मचाता रहता है, लेकिन इसमें बोले ना कि हम इसके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि मीडिया फ्रीडम बंद हो और कोई और करा रहे है, जुर्रत तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल की। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वो केपी की हुकूमत से मिले, वो क्या कहते हैं, नहीं मेरी बात सुने तो आप अगर मेरी पूरी ट्वीट पढ़ लेते उसके जवाब में, तो आपको समझ आ जाती दो चीज़ें। अमेरिकन सफीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। वो बिलावल से भी मिलते हैं, वो आपके प्लानिंग मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पंजाब में भी मिले। दीज आर द कंट्री टू कंट्री कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक, उसमें सब मिलते हैं। हमारे सफीर जाके मिलते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह को, वहाँ ये बात और है कि उनका, हमारा सफीर प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता, और इधर एक अमेरिका का सफीर ऊपर तक जाके जिससे मिलना चाहे फौरी तौर पे मिल सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन लेकिन ये आप सिक्योरिटी ऐसे सेंसिटिव एरियाज में एक एम्बेसडर को फ्री रन दे, पूरा वो रिव्यू कर रहा है प्लेन पे से या हेलीकॉप्टर में, हमें प्लेन था, प्लेन पे से सिक्योर सेंसिटिव एरियाज जिधर आपके शहरी नहीं जा सकते, वो बॉर्डर पे जाता है किस एग्रीमेंट के तहत? मैंने तो सवाल उठाया है कि किस अग्री, आपने कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है अमेरिका के साथ कि आप उनको एक्सेस देंगे बॉर्डर का? किस एग्रीमेंट के तहत आप उसको इस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं जो नहीं मिलता? हमारा एम्बेसडर सेंसिटिव एरियाज में दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकता, तो इस वास्ते ये सवाल था। देयर इज अ डिफरेंस एंड आई स्टैंड बाय दैट। क्योंकि ये ऑन गोइंग, ये नहीं नहीं ये देखें, ये ऑन गोइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हमने अमेरिका को अक्यूज किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की। लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ऑन गोइंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट साइन हुए हुए हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स तोड़ देंगे? वो तो नहीं आप तोड़ेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफीर को मुल्क से निकाल दो, हमने अमेरिका का जो साजिश में हिस्सा था उसकी ऑब्जेक्शन की है, और साइफर जिस तरीके से आया था उसकी ऑब्जेक्शन की है। और ये मैं आपको वैसे बताती चलूं कि हमारी हुकूमत फेडरल, जब हम गवर्नमेंट में थे, कोई एम्बेसडर नहीं मिलता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, CIA चीफ आया था,
प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो आईएसआई चीफ से, मैं नहीं मिलूंगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स, आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें हमारे दौरान। आप एक बात देखें, हमने रिग्रेट भी किया है, मैंने शुरू में कहा था हमसे गलतियां हुई हैं। मतीउल्लाह जान को जब अरेस्ट किया गया, जब उसको कैबिनेट में मैं बैठी हुई थी, हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं पता और फौरी तौर पर कन्वे करो कि ये नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, मत करें। इसी वास्ते फाइनली हमने कोशिश की, इनफोर्स डिसअपीयरेंस का कानून भी जो असेंबली से पास होके सेनेट में कुछ गुमशुदा हो गया था, अब ये हुकूमत क्यों नहीं उसको फाइनल फेज में अप्रूव कर रही, उस कानून को? बड़ी कमिटमेंट स्कीम थी, मरियम नवाज ने जब बलोच स्टूडेंट्स को मिली थी कि मैं इस पर करूँगी, अब कितने महीने हो गए, क्यों नहीं ये हुकूमत उसको सेनेट से पास करवा के कानून बना दें जो जिसकी सख्त ज़रूरत है? हमने बड़ी जद्दोजहद लड़ी थी एक जर्नलिस्ट के बिल पे जो कानून बन गया शुक्र है, और एक इनफोर्स डिसअपीयरेंस पे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका, लेकिन हमने असेंबली तक से तो पास करवा दिया था, एक मरला रहता था सेनेट का, क्यों नहीं पास हुआ? मैडम, जो आपकी शर्त है इलेक्शन की, इसके बगैर सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और कब बेहतर होंगे, कब मिल बैठ रहे हैं? हमने बड़ी क्लियरली कहा है ये सारे मसले मसाइल जो मुल्क को पेश आ रहे हैं, एक ही हल है कि जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन की डेट आप हमें दें, प्रॉपर डेट कमिटमेंट करें, फिर आप बात करें बातचीत बाकी चीज़ों पे। उन्होंने कोई डेट नहीं दी, हम कह रहे हैं फौरी तौर पे होने चाहिए, ये हुकूमत इलीगल है, इम्पोर्टेड है और ऊपर से इनकॉम्पिटेंट भी है। आप देख लें जो इन्होंने कहा था हम इनकॉम्पिटेंट हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, अब आप देखिए इन्होंने जो चार महीने में हाशर कर दिया है पाकिस्तान का, वो तो 3.5 साल में नहीं हुआ, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही थी, हमारी ग्रोथ रेट 6% पे जा रही थी, अब इनके हाल देख लें, आज जो फिर पेट्रोल बम आ गया है, अभी आपकी यूटिलिटी बिल्स और बढ़ेंगे, आपकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, IMF के पैसे आ भी जाएँ तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिस तरीके से आप जा रहे हैं। आपको ना अगर इसके लिए बहुत सादा जवाब है और बहुत सिंपल जवाब है, तमाम तफसीलात हमने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि ECP के गजट में छपा हुआ है कि एक एक पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसी पार्टी ने ये नहीं दिया हुआ। हमने 40,000 की लिस्टें दी हैं, किसी पार्टी ने एक लिस्ट भी नहीं दी अभी तक 48, जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया हेयरिंग के बाद उन्होंने कुछ भी पेश नहीं कर सके, और उनके अकाउंट जो हैं वो उनके अपने ऑडिटर ने भी ऑब्जेक्ट किया और मनोवन इलेक्शन कमीशन ने उसको इसी तरह पब्लिश कर दिया है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप जाके ECP के अगर गजट उठा लें पार्टीज के, ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।